व्यूअर्स, डेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम वैसे तो सभी को होती हैं, लेकिन कुछ लोगों को ये ज़्यादा परेशान करती हैं तब जब वो जॉब के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं और उस समय उनको ये लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम डिसक्वालीफाई हो जाएं सिर्फ डेंटल के पॉइंट ना मिलने की वजह से। तो अगर ऐसी स्थिति आप में किसी की है तो मैं समझता हूँ कि आपको इस चैनल पर जो और वीडियो हैं उनको ज़रूर देखना चाहिए, जिससे कि आप अपने दांतों की केयर अपने आप और ख़ुद उनको अच्छे से लुक आफ्टर कर पाएँ। तो हमारे पास अभी जो सवाल आपने हमें किया है वो ये है कि मेरे 6th और 7th में ट्रीटमेंट चल रहा है, तो क्या मैं मेडिकल में पास हो जाऊँगा या नहीं। तो अगर हम दांतों को काउंट करने की बात करें तो जो हमारे सामने के जो दो दांत होते हैं बड़े, उसको हम ये मान सकते हैं, चाहे हम इस साइड में काउंट करें या फिर इस साइड में काउंट करें, तो वो हमारा फर्स्ट टीथ होगा। तो दो अगर हमारे सामने के दांत हैं तो उसमें से एक टीथ को हम फर्स्ट लेंगे, फिर उसके बाद जो दूसरा है सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ऐसे सेवन्थ। इसी तरीके से जो हमारे सामने के दो दांत हैं उसमें अगर हम इस साइड में काउंट करें तो उसमें से इधर वाले टीथ को हम फर्स्ट काउंट करेंगे और फिर उसके बाद हम सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ और एट्थ। इसी तरीके से आठ ऊपर हो गए इधर और आठ इधर और आठ नीचे और आठ। लेकिन अक्सर होता ये है कि मोस्टली 7 teeth ही इस साइड होते हैं, साथ ही इधर होते हैं, साथ ही नीचे। वो 20 साल के बाद जब अक्कल दाढ़े आती तब कहीं जाके वो आठ आठ की उनकी पूरी गिनती हो जाती है। लेकिन फिर भी ये तो अलग बात थी। लेकिन आपने जो मुझे क्वेश्चन किया है, मोस्टली लोगों के उससे मिले जुले क्वेश्चन है कि अगर हमारा कोई ट्रीटमेंट चल रहा है तो हम किन चीज़ों का ध्यान रखें जिससे कि हमें डेंटल जो हमारा मेडिकल होगा हमारे जॉब से रिलेटेड उसमें कोई दिक्कत ना आए। अब दांतों की तो अपनी अपनी समस्याएं लोगों को बहुत सारी होती हैं जो डेंटल रिलेटेड होती हैं। कभी किसी के सीवियर पेन होने लगता है दांतों में, तो जनरली अगर आपको किसी भी तरीके की दिक्कत है और आप कोई जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको जाके अपने नियरेस्ट डॉक्टर को दिखाना चाहिए जो कि डेंटल डिपार्टमेंट में है। अगर आप जॉब के पर्पज़ से इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये इम्पॉर्टेंट है इसमें कि आप किस तरीके की फिलिंग करा रहे हैं अपने दांतों में जो कि मेडिकल में एक्सेप्टेबल होगी। दूसरा ये है कि कौन सा प्रोसीजर आप करा रहे हैं वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, और किससे करा रहे हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जहाँ पर हम पिछले वीडियो से भी हमेशा से मैंने इस पर बल दिया है जब भी मैंने वीडियोज़ बनाए हैं कि आप एक प्रॉपर प्रोसीजर के थ्रू अपने दांतों का ट्रीटमेंट कराएं। कुछ लोगों ने मुझे क्वेश्चन भी किया था कि प्रॉपर प्रोसीजर क्या होता है। प्रॉपर प्रोसीजर ये होता है कि जो पूरे मानकों के आधार पर हो, एक अच्छे डेंटल सर्जन से कराया जा रहा हो और जिसमें जो भी मटेरियल दांतों में फिल किया जा रहा हो वो भी परफेक्ट हो और अच्छा हो, तो इसको हम प्रॉपर प्रोसीजर कहते हैं। लेकिन अगर आप किसी डेंटल सर्जन के पास न जाके, कुछ हमें कन्वीनियंट रहेगा या फिर हमारे पैसे बचेंगे, कुछ ऐसे लोगों के पास चलेगा जो सर्जन तो नहीं है, अच्छे डेंटिस्ट भी नहीं है, लेकिन हाँ कुछ दांतों के बारे में अच्छे से जानकारी रखते हैं, तो अगर आप उनसे कराएंगे तो माइट बी पॉसिबल आगे चल के कोई दिक्कत आए। तो इसलिए जब भी आप अपने ट्रीटमेंट के बारे में सोचते हैं तो एक परफेक्ट प्लेस चुनिए। और अगर आपको बाहर महंगा लगता है तो आप इसके लिए गवर्नमेंट सेटअप को चूज़ कर सकते हैं। गवर्नमेंट जितने भी आज के समय में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं उसमें ये फैसिलिटी है और आप वहाँ जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आप उन हॉस्पिटल्स में जाइए, वहाँ आपके पैसे भी बचेंगे और आपका परफेक्ट काम भी होगा। तो इसलिए जब भी आप कोई प्लेस चुनते हैं तो इसमें इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपका डॉक्टर परफेक्ट होना चाहिए और जो चीज़ वो यूज़ करेगा, जो मटेरियल, वो भी सही होना चाहिए। अब उसमें क्वेश्चन ये था कि मेरा 6th और 7th में जो प्रॉब्लम है तो क्या मैं पास हो जाऊंगा, लेकिन उसमें आगे ये नहीं लिखा है कि सवाल में आपके कि मुझे दांत में क्या प्रॉब्लम है, क्या RCT है या मेरा दांत टूट गया है या उसमें कैपिंग होनी है या क्या होना है। तो अगर उसमें ये भी लिखा होता है क्वेश्चन में तो शायद हम उसको और अच्छे से एलिब्रेट कर पाते हैं। बट नो, उसमें कोई ऐसी बात नहीं। अगर आपकी उसमें प्रॉब्लम है तो जाहिर सी बात है उसमें कैविटी हो गई होगी, डीप कैविटी हुई होगी, और उसमें आई होप सो या तो फिलिंग कराने के लिए आप जा रहे होंगे या फिर आप RCT कराने के लिए जा रहे होंगे। तो अगर RCT कराने के लिए आप जा रहे हैं तो उसमें तो प्रॉपर प्रोसीजर होता ही है। डॉक्टर उसे अच्छे से देखेगा, पहले उसका एक्सरे कराएगा और एक्सरे कराने के बाद फिर उसमें देखेगा कहीं रूट तक तो इन्फेक्शन नहीं पहुंच गया है। अगर रूट तक नहीं इन्फेक्शन पहुंचा है तो वो आराम से उसका RCT हो जाएगी। अगर पहुंच भी गया है तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। RCT जो होती है उसमें दो तरीके की हम कह सकते हैं,
कि इसमें एक तो होती है कि हमारी फर्स्ट सिटिंग में एक ही बार में हो जाती है, कुछ होती है मल्टी सिटिंग्स भी होती हैं, कई बार आपको जाना पड़ सकता है। तो वो आपके दांत की कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके दांत की क्या स्थिति है, क्या वो जो कैविटी है उसके बाद इन्फेक्शन कितने डीप पहुँचा है, पल्प के नीचे पहुँच गया है या फिर रूट तक जा रहा है या फिर रूट के नीचे इन्फेक्शन हो गया है। तो अगर इन्फेक्शन नीचे तक पहुँच गया तो जाहिर सी बात है मल्टी सिटिंग आपको लगेंगी और उसमें कई बार आपको जाना पड़ सकता है। और अगर ऊपर ही है दिक्कत है और एक बार की सिटिंग में काम हो जाएगा तो आपको एक बार में भी दांत ठीक हो सकता है। दूसरा यह है कि नॉर्मल कैविटी अगर आपको है जिसमें सिर्फ ऊपर का दांत की जो ऊपर की लेयर होती है जिसे क्राउन एरिया हम कहते हैं, अगर वही सिर्फ ख़राब हुआ है कैविटी की वजह से, तो फिर उसको साफ़ करके मशीन से और फिर उसमें अच्छे से फिलिंग कर दी जाएगी और उससे दांत परफेक्ट हो जाएगा। अब इसमें एक चीज़ और भी आपको याद रखनी है कि जब भी हम फिलिंग कराते हैं तो फिलिंग कराते समय हमें ये ध्यान रखना है कि फिलिंग जो होगी हमारी दो तरीके की होनी चाहिए जो सबसे बेस्ट मानी जाती हैं, जिसको अगर आप कराते हैं तो मेडिकल में आप डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। और वो दोनों फिलिंग हैं, एक तो ग्लास आयनोमर फिलिंग, दूसरी है लाइट क्योर फिलिंग। ये दोनों ही फिलिंग बहुत जल्दी सेट हो जाती हैं, मिनटों में सेट हो जाती हैं और ज़्यादा देर भी इसके लिए आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही डॉक्टर इसको लगाएगा और तुरंत ये थोड़ी सी देर में सेट हो जाएंगे और उसके बाद आप नॉर्मल जैसे हम खाना पीना खाते हैं वो आप इसे कर सकते हैं। लेकिन फिर भी थोड़ा सा केयर के तौर पर आप थोड़ा सा अपनी केयर करें, कुछ घंटों तक कुछ हार्ड सब्सटेंस ना खाएं, कोई भी चीज़ ऐसी ना चबाएं दांतों से, तो मैं समझता हूं कि जो वो फिलिंग होगी वो परफेक्ट फिलिंग होगी और ये फिलिंग आप आराम से कराकर किसी भी मेडिकल में जा सकते हैं, वहां अपेयर कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी तरीके का किसी भी जॉब का मेडिकल हो। तो आई थिंक सो कि अगर जो आपने मुझे क्वेश्चन किया है, अगर इससे रिलेटेड अगर आप और भी अच्छे से जानना चाहते हैं इसके बारे में और RCT के बारे में या फिर जो फीलिंग है उसके बारे में, तो हमने इससे पहले भी वीडियोस बनाए हैं, आप उनको ज़रूर देखें। और उसके लिए आपको क्या करना होगा, चैनल के वीडियो सेक्शन में जाना होगा और वीडियो सेक्शन में वीडियो लिस्ट को स्क्रॉल करके उसमें ज़रूर देखना होगा, उसको एक बार ज़रूर चेक करें, क्योंकि उसमें आपकी प्रॉब्लम तो है ही है, साथ ही साथ दूसरी और प्रॉब्लम्स भी हैं जिससे कि आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। और उसके बाद फिर मुझे क्वेश्चन जरूर करें। साथ ही साथ एक चीज़ मैं यहाँ पर और भी कहना चाहूँगा कि अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो उसके हमें फीडबैक जरूर दिया करें, और वो देने के आपके पास दो तरीके हैं, एक तो आप लाइक कर सकते हैं वीडियो को, दूसरा आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या फिर अगर आप रेगुलर वीडियोज़ देखते हैं तो फिर आप इसे सब्सक्राइब करके इसे जुड़ भी सकते हैं जिससे कि आप आने वाली वीडियो से भी अपडेट रहें। तो अगर आपकी कोई क्वेरीज़ हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, साथ ही साथ और भी कुछ जानना चाहते हैं तो एक बार चैनल के वीडियो सेक्शन में जरूर जाएं। जब आप इस चैनल की जो मेन पिक्चर होती है जैसे आप उसे क्लिक करेंगे तो आपको वहां पर लाइन एक दिखाई देगी जिसमें लिखा हुआ होम, वीडियोस, कम्युनिटी टैब, इस तरीके से बहुत सारी ऑप्शंस होते हैं, उसमें वीडियो में चाहिए। और वीडियो में जाने के बाद जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट टॉपिक्स हैं, माइट बी पॉसिबल कि उसमें से बहुत सारे टॉपिक आपसे रिलेट कर सकते हैं और वो आपके काम के भी हो सकते हैं, तो उनको देख कर फिर मुझे कमेंट जरूर करिए। तो ठीक है, अगली बार हम फिर मिलेंगे अगली जानकारी के साथ, नई जानकारी के साथ। टिल देन कीप स्माइलिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।